हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं डॉक्टर विजय प्रकाश। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से वादा किया था कि आप लोग अपने डाउट्स को मेरे पास भेजिए और उन डाउट्स के अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो आप सभी लोगों का बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आए और व्हाट्सएप भी आए, व्हाट्सएप में लोगों ने मुझे बताया। तो बेसिकली कुछ एक्सरसाइज में कन्फ्यूजन है जो लोगों को नहीं समझ में आ रही है, तो आज मैं आपको उन एक्सरसाइज को क्लियर करता हूँ। इसके अलावा जो मैंने पोल का ऑप्शन जो रख डाला था उसमें भी आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। काफ़ी लोगों का विचार यही है कि हम एवियन को ही अभी कंटिन्यू करें। पब्लिक की डिमांड भी यही है कि हम एवियन के वीडियोस को ज़्यादा बनाएं। और इसके साथ साथ कुछ लोगों ने ऐसे लोगों ने भी फ़ोन किया है जो उन्होंने ऑपरेशन करा लिया था और ऑपरेशन कराने के बाद भी आज उनको प्रॉब्लम हो रही है और पेन हो रहा है, तो उनको भी हम अब आगे से अपने वीडियो में शामिल करेंगे और ऐसे लोगों के लिए भी वीडियो बनाएंगे जो ऑपरेशन कराने के बाद भी जिनको प्रॉब्लम हो रही है और वो लोग अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हमारी न्यूरोथेरेपी करवा करके और ये एक्सरसाइज करके अपने घर में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर वन से, जो अपनी एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आपके पहले डाउट्स को क्लियर करते हैं। इसके लिए मैंने एक जो बेल्ट वाला वीडियो बनाया था वो काफी लोगों को समझ में नहीं आया, तो मैं अब ये लेटरल व्यू बना रहा हूँ ताकि आप लोग दोनों सब तरफ से देख सकें। इसके लिए क्या करना है, आपको इस तरह से बेल्ट ले जाना है, पेशेंट के पैर को मोड़िए, मोड़ करके बेल्ट को फंसा दीजिए ऐसे, ठीक है। और इसको आप अपने पैर के पास भी फंसा सकते हैं, ठीक। लास्ट वाले लूप में डाल दीजिए इसको यूं, ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस में रहिए। अब क्या करना है, पेशेंट के पैर को आपको थोड़ा उठा देना है, ठीक है। उठाने के बाद अपनी थाई से इस बेल्ट को खींचना है और ये शोल्डर, इसको जो पेशेंट का जो नीज है इसको स्टेबल रखना है और इसको खींचना है ऐसे, ठीक। फिर छोड़ देना है, फिर खींचना है। इससे क्या होता है कि हिप ज्वाइंट के बीच में स्पेस बनता है। फिर छोड़ देना है, खींचना है, फिर छोड़ देना है। अब इसमें तीन पोजिशन है, एक तो ये मिड पोजिशन है, ठीक है, जिसमें पेशेंट का पैर ऊपर उठा हुआ है। दूसरी है ये नीचे की पोजिशन, इसमें भी आप ऐसे खींच सकते हैं, फिर छोड़ सकते हैं, ठीक। और एक पोजीशन है और ऊपर ले जाकर के यूं करके ये खींचना, फिर छोड़ दिया, ये खींचा छोड़ दिया। एक ये पोजीशन हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, किसी पर किसी किसी पेशेंट को इस पोजीशन ज्यादा आराम मिलता है, किसी ने फिर किसी को इस पोजीशन पर आराम मिलता है और किसी को इस पोजीशन पर आराम मिलता है। वो डिपेंड करता है कि उसके हेड का शेप कहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। जिस पोजीशन पे पेशेंट को ज्यादा आराम मिलता है आपको उस पोजीशन पे उसको खींच करके थोड़ी देर के लिए ट्रैक्शन देकर के थोड़ी देर के लिए रखना है, ठीक। ये आपकी हो गई, मेरे ख्याल से ये लेटरल व्यू है, ये अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है। उसके बाद आप अपने पैर को निकाल लीजिए बेल्ट से और छोड़ दीजिए, ठीक है। सुबह शाम इस तरह का ट्रैक्शन देना है। तो ये हो गई प्रॉब्लम नंबर वन। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में मैंने आपको जो इंग्वाइनल रीजन में जो पेन की एक्सरसाइज का जो वीडियो बताया था उसमें लास्ट में जो एक्सरसाइज थी कि अगर आपको, मैंने आपको बताया था कि जमीन में बैठ के पैर को फैला के करना है, तो कुछ पेशेंट के कह रहे हैं जमीन बैठने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो जमीन पे ना बैठ के आप लोग इस तरह से थोड़ा ऊंची पोजीशन पे बैठ जाइए, बैठ करके दोनों पैरों को फैला के आगे की, जितना मैक्सिमम पैर फैला सकते हैं जितना आपका खुल रहा है उतना खुलिए, आगे की ओर झुकना, फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है आपको ऐसे, ठीक है। तो इससे इंग्वाइनल रीजन में खिंचाव होगा और आराम मिलेगा आपको, ठीक। फिर वापस जाना है, ठीक है, जितना जा सकते हैं आप उतना चाहिए, फिर आगे जाना है, फिर जाना है। या तो आप बेड पे भी कर सकते हैं या इस तरह के चेयर पे भी कर सकते हैं, या ऊंची पोजीशन पर रहने से फायदा यह है कि आपके में ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। फिर ऐसे फॉरवर्ड झुकना है और फिर छोड़ देना है, ठीक। तो आइए चलते हैं अब तीसरे पॉइंट में, जो आप लोगों को डाउट है उसमें मैंने जो आपको जो 5 पॉइंट्स बताए थे जो कि आपको अपनी लाइफ में ऐसी 5 मिस्टेक्स जो बताए थे आपको, उसमें एक मिस्टेक ये थी कि मैंने आपको कहा था कि एड़ी के बल पे, पैरों की एड़ी के बल पे नहीं चलना है, पंजों के बल पे चलना है। जैसे मिलिट्री मैन जो होते हैं जो एड़ी के बल पे चलते हैं, तो लोगों का ये कहना था कि मिलिट्री मैन तो चलो बाहर चलते, घर में कोई कौन ऐसा चलता है, घर में आप मिलिट्री मैन की तरह नहीं चलते, मगर हाँ फिर भी चलते समय पैरों की एड़ियां जल्दी नीचे आती है। जैसे आप घर में चलते चल के दिखाई कैसे चलता है नॉर्मल आदमी, अब आप देखिए, आप देख रहे होंगे कि इनके पैरों की एड़ियां पहले पड़ रही हैं और पंजे बाद में पड़ रहे हैं, ठीक है, ये देखिए। तो नॉर्मल आदमी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर जिसको एवियन की प्रॉब्लम है इसका जड़ ऊपर तक जाता है और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखिए इनके पैर की एड़ी पहले पड़ रही है, आप ये नोटिस कीजिएगा घर में जब आप लोग चलते हैं तो पैर की एड़ियां पहले पड़ती है। तो एवियन वालों को जिनको दर्द बहुत है
उन लोगों को खास तौर से पैर की एड़ी की जगह पंजों का यूज करना है। आप चल के दिखाइए पंजे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। बड़े आराम से धीरे धीरे इस तरह से पंजों का यूज करते हुए आपको चलना है, तो इससे क्या होगा कि जर्क ऊपर तक नहीं जाएगा और आपको पेन भी कम रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपको फॉलो करना है। तो ये थी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मिस्टेक्स हो रही थी, जो समझ में नहीं आ रहा था। अब आप लोग फर्दर इसको ध्यान रखिएगा और जो है अपने पैरों के पंजों के बल पे चलने की कोशिश कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि कुछ कंफ्यूजन था लोगों के दिमाग में, जो आप लोगों ने मेरे को कमेंट किया और मैंने चाहा कि आप लोगों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी और आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। और आप लोगों से फर्दर मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर दिया कीजिए, मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दिया कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम है, सो दैट कि वो लोग भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, घर बैठे ही काफी हद तक कम कर सके, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमारे सेंटर में आके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। नमस्कार।